जिला कांगड़ा की जनता भी अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला से भी अयोध्या के लिए HRTC बस सेवा शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। HRTC ने इस संबंध में RTO कार्यालय में रूट परमिट के लिए आवेदन कर दिया है। धर्मशाला से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू होने पर श्रद्धालु 23 घंटे में अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं धर्मशाला से अयोध्या के लिए HRTC बस प्रस्तावित है। इस संबंध में निगम मुख्य कार्यालय से मंडल कार्यालय धर्मशाला को आदेश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए रूट सर्वे किया जा चुका है। देखिए, अभी जो हमें मुख्य कार्यालय से देश आए हैं उसके तहत अभी जो प्रस्तावित है, हमारी एक बस प्रस्तावित है जो कि धर्मशाला से अयोध्या के लिए चलनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने अभी टेंटेटिवली इसके रूट परमिट के लिए RTO धर्मशाला को अप्लाई किया हुआ है, हमने इस ढंग से बनाया हुआ है कि ये जो बस है शाम को तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है यहाँ से धर्मशाला से चलेगी और बाया दिल्ली होते हुए अयोध्या जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि जो अयोध्या का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली ये दिल्ली से अयोध्या 730 किलोमीटर के करीब है। अभी हाल ही में हमारे जो ट्रैफिक मैनेजर दिल्ली है और उनकी टीम अयोध्या का दौरा करके आई थी, पूरा रूट का सर्वे करके आई थी, और उसी कड़ी में हमने यहाँ पर परमिट के लिए आवेदन कर दिया है। जैसे हमें मुख्य कार्यालय से कोई देश आएंगे उसके बाद हम इस गाड़ी का प्रचलन शुरू करेंगे। तकरीबन 12 से 14 घंटे का जो सफ़र है ये दिल्ली से अयोध्या का लगेगा, और जैसे ऐसे मुख्य कार्यालय से देश आएंगे उसके बाद हम इस गाड़ी का जो प्रचलन है शुरू करेंगे। आवेदन 3-4 दिन हो गए, हमने अप्लाई कर दिया है, बाकी अब आदेश मुख्य कार्यालय से आने कि कब से शुरू किया जाना है इस गाड़ी को। जिस दिन आदेश आएंगे हम गाड़ी को शुरू करेंगे। देखिए, ये यहाँ से एक बस जाया करेगी और जो कि आज शाम को जाया करेगी, कल शाम को तकरीबन आप लग लिए 5-6 बजे के करीब ये अयोध्या पहुंचा करेगी, और उससे अगले दिन सुबह ये हमने तकरीबन 7 बजे का टाइम अभी सोचा हुआ है कि जो प्रपोज टाइमिंग है वो 7 बजे का अयोध्या से वापसी का टाइम सोचा है, रात को दिल्ली और रात को दिल्ली से चल के सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे।